तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है गुजराती हैकर चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्पी मशीन में कैलिब्रेशन कैसे लिया जाता है और कैलिब्रेशन क्यों हमें लेना जरूरी है। और अगर आपको ये मशीन चालू करना या फिर बेसिक नॉलेज नहीं है तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं कि कैलिब्रेशन कैसे लिया जाता है और कैलिब्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हम एक ले लेते हैं सबसे पहले हीरा, बराबर। ये मैंने एक हीरा ले लिया और ऐसे ही सेट कर लिया, देखो, और एंटर दबा दिया। तो जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो ऐसे क्रॉस हो गया है अभी हीरा, तो जो इसकी पोजिशन है वो करेक्ट आ गई है। तो कैलिब्रेशन क्या करता है कि जब भी हम कैलिब्रेशन लेते हैं ना तो ये पोजीशन को करेक्ट कर देता है। अभी हम क्या करते हैं कि कैलिब्रेशन लेते हैं और गलत कैलिब्रेशन लेते हैं सबसे पहले। तो हम देखते हैं कि गलत कैलिब्रेशन अगर हो गया हमसे तो उसका परिणाम क्या आता है। अभी देखिए, ये मैं कैलिब्रेशन डाई ले रहा हूँ और ऐसे ही कैलिब्रेशन हम ले रहे हैं। ये गलत कैलिब्रेशन मैं ले रहा हूँ, ये गलत कैलिब्रेशन, कंट्रोल सी दबाया, बराबर, और ऐसे मैंने ले लिया गलत कैलिब्रेशन। ये ले लिया मैंने गलत कैलिब्रेशन। अब फिर से वही हीरा मैं रखता हूँ, ये ले, ये देखो वही हीरा है। अब मैंने दे दिया एंटर, तो देखिए उसकी पोजीशन जो है वो क्रॉस आ गई है थोड़ी सी। तो यही काम करता है कैलिब्रेशन। अभी हम कैलिब्रेशन कैसे अच्छे से लिया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा मशीन ऑन होना चाहिए और फिर हम रखेंगे कैलिब्रेशन डाई। ये कैलिब्रेशन डाई होती है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेना है सेंटर। तो सेंटर क्यों जरूरी है वो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। जो ये सेंटर हम लेते हैं ना वही हीरा घूमेगा हमारा। हीरा जब भी कटता है तो घूमता है, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हीरा लेसर से जब कटता है तो ऐसे घूमता है। तो घूमने जो हम सेंटर अभी लेंगे ना वहीं पर हीरा घूमेगा, इसलिए सेंटर जरूरी है। तो सेंटर लेने के लिए हम इस डाई को घुमाएंगे और डाई को घुमाने के लिए जो एस्केप होता है ना उसके नीचे का बटन ये होता है उसको हम प्रेस करेंगे ताकि हमारी डाई जो है ना वो ऐसे घूमने लगेगी। तो जो उसका सेंटर वाला भाग हो उसे हम यहाँ पर सेंटर ले लेंगे। ये सेंटर वाला भाग हो गया हमारा, देखिए आपको यहाँ पर एक सेंटर जैसा दिख रहा होगा जो बीच में एकदम घूम रहा है वो सेंटर होता है। फिर हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस एस, तो हमारा सेंटर आ चुका है। ये देखिए हमारा सेंटर आ चुका है अभी। फिर हम डाई को ऐसे सेट करेंगे, देखिए हमें ऐसे सेट करना है। कंप्लीट मतलब ऐसे सेट होना चाहिए हमारा डाई, तभी हमारा कैलिब्रेशन होगा। देखिए ऐसे सेट करना है हमारा डाई को, ऐसा कटा हुआ डाई होता है उसको इस साइड पे ही सेट करना है, मतलब हमारा जो ए वाला हाथ होता है ना उस साइड। फिर हमें दबाना है कंट्रोल एस ताकि हमारा सेंटर फिर से एक बार सेव हो जाए। फिर हमें दबाना है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जैसे ही आप दबाओगे आपका डाई जो है ऐसा हो जाएगा। देखिए हमने गलत जो कैलिब्रेशन लिया था अभी वो पता चल रहा है कि यहाँ पर हमने इतना गलत ले लिया था। फिर ऐसे मिलाना है हमको, जो उसका धरी होता है ना धरी वहां पर मिला के उसको फोकस लेना है। फोकस लेने के बाद हम एंटर दबा देंगे तो हमारा डाई जो था वो फिर से उसकी सही पोजिशन पे आ जाएगा। फिर हमें दबाना है कंट्रोल एस फिर से, तो फिर से हमारा सेंटर जो है वो सेव हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कैलिब्रेशन होता है समाप्त। ये हो गया है हमारा कैलिब्रेशन। और इसका महत्व क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर कैलिब्रेशन नहीं होगा ना तो आपका हीरा का शेप जो है वो सही नहीं आएगा। तो अभी कैलिब्रेशन हमारा ओके है इसलिए हीरा का शेप सही आएगा। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जिसका स्पॉट होता है, स्पॉट मतलब क्या होता है वो सब मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो वो वीडियो भी
देख लेना। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।